इनकी शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मंत्री विश्वास सारंग की मांग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मांग की है दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की मांग की है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। अपनी मांग के समर्थन में अभियान चलाया है दिग्विजय के खिलाफ, ट्विटर में भी रिपोर्ट करेंगे सारंग। लोगों से दिग्विजय विरोधी मुहिम जुड़ने की अपील की है, मुहिम में जुड़ने की अपील लोगों से की गई है। ट्विटर पर दिग्गी के ट्वीट्स की जांच की भी मांग की गई है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक अभियान छेड़ दिया है और अपनी मांग के समर्थन में लोगों से अपील भी की है, मुहिम में जुड़ने की अपील की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर बैन करने की मांग की है, दिग्विजय सिंह के ट्विटर को बैन करने की मांग की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की है और साथ ही इस मुहिम में जो अभियान छेड़ा है इस मुहिम में लोगों से जुड़ने की भी अपील की है। जी बिल्कुल पुनीत जी, देखिए जिस तरह से जो दिग्विजय सिंह का जो फेक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक तस्वीर जो है लगा दी थी और उसको जो बिहार की तस्वीर थी उसको खरगोन की तस्वीर बताया गया था, लेकिन हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने वो ट्वीट अपना डिलीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्क्रीन शॉट जो उसका वायरल हुआ तो लगातार सियासत उस पर गर्माती रही। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज एक अभियान की शुरुआत की है। जिस तरह से ट्विटर पर एक ऑप्शन होता है कि यदि उसमें किसी प्रकार की ऐसी पोस्ट होती है जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें ऐसे तत्व डाले जाते हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना है या फिर लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, तो उसकी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज इसी के चलते आज विश्वास सारंग ने एक अभियान की शुरुआत की है और सबसे पहले उन्होंने जो है दिग्विजय सिंह के ट्विटर पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। और इसके अलावा उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि इस तरह की जो गलत भ्रांतियां जिस तरह से दिग्विजय सिंह फैला रहे हैं जिससे धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है, तो उनके जो ट्विटर हैंडल को जो है ब्लॉक किया जाए। इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। वहीं यदि दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक पुरानी पोस्ट को लेके श्यामला हिल्स थाने में और कमिश्नर को एक आवेदन दिया है कि यदि मुझ पर FIR हो सकती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी FIR की जाए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये इस ट्विटर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर लगभग 3-4 थानों में जो है FIR दर्ज कर की जा चुकी है जिसमें भोपाल, नर्मदापुरम और अन्य जिले शामिल हैं। जी जी शुक्रिया नीरज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल दिग्विजय विरोधी मुहिम में जुड़ने की अपील चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने की है, साथ ही जो है FIR भी दर्ज करने की मांग यहां पर अब तेज होने लगी है। अलग अलग थानों में जो है FIR दर्ज की गई है। तो दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर जो ट्वीट किया था वो भले ही हटा दिया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह के ट्वीट से काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई और साथ ही दिग्विजय सिंह की खुद की भी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, मुश्किल में घिर गए हैं दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट को लेकर।